मैं मेरे हर वीडियो के लास्ट में अपना व्हाट्सअप नंबर देता हूँ। तो किसी ने मुझे मैसेज किया था कि भैया मैं एसएससी में अटेम्प्ट दे तो रहा हूँ पर फेल हो जा रहा हूँ। तो मैंने उससे कहा ये तो तुम ही बता सकते हो कि तुम फेल क्यों हो रहे हो। तो उसने कहा नहीं समझ में आ रहा है कहाँ गलती हो रही है, पढ़ता भी बहुत हूँ। तो मैं सोचा ये कोई फेलियर ही बता सकता है। तो मैंने लोगों से बात कर करके कुछ पॉइंट नोट किए हैं, तो इसे आप देखो कि इनमें से आप कौन सी गलती कर रहे हो कि आपका एसएससी में सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो पहला ये कि लोग सिलेबस के हिसाब से नहीं चलते, उन्हें लगता है आज मैंने 8 घंटे पढ़ा 12 घंटे पढ़ा, अरे तुम 24 घंटा पढ़ लो, उस पढ़ाई का क्या फायदा जो एग्जाम में आएगा ही नहीं। तुम्हें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और सिलेबस साथ रखना है ताकि तुम्हें पता रहे तुम्हारे एग्जाम का लेवल क्या होने वाला है और तुम अपना बेस्ट कैसे दे सकते हो। आप कितने घंटे पढ़ते हो ये मायने नहीं रखता, आप क्या पढ़ते हो वो मायने रखता है। आप गाड़ी को गोल गोल घुमा रहे हो या गाड़ी को सीधे ले जा रहे हो, मीटर तो भागेगा ही, बस फर्क इतना रहेगा एक में गाड़ी वहीं रहेगी और दूसरे में गाड़ी मंजिल तक पहुंच जाएगी। दूसरा है कि बहुत लोग तैयारी के नाम पे अपने घर से बहुत दूर दूर जाते हैं, कोचिंग करने जाते हैं, तो वहां पर कई तरह के दोस्त बना लेते हैं, उनमें से कुछ रास्ते भटका देते हैं कि पहली बार में किसी का सिलेक्शन नहीं होता, अभी तू समझ क्या कैसे होने वाला है। कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो मूवी और सुट्टा के शौकीन होते हैं, वो तुम्हें उसकी लत लगवा देंगे। तो ऐसे दोस्त मत बनाओ जो खुद डूबे और तुम्हें भी डुबा दें। देखो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी सिलेक्शन होता है, लोगों की राय मत लो, अपने दिमाग से काम लो। अगर ज्यादा जरूरत हो तो अपने टीचर या सीनियर की सलाह लो, वो तुम्हें बढ़िया तरीके से बताएंगे क्या कैसे होने वाला है। अगला पॉइंट है कि लोग यहाँ भी गलती करते हैं, जब वो एग्जाम देने जाते हैं तब वो अपनी स्पीड की वजह से फेल हो जाते हैं। वो तैयारी तो पूरी किए होते हैं पर जब वो एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं तब वो शुरू में मैथ और रीजनिंग के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी वजह होती है फेल होने की। जो कैलकुलेटिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं या जो रीजनिंग होती है वो सबसे ज्यादा टाइम लेती है और किसी भी एग्जाम में टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उदाहरण के लिए हम तुमसे पूछें भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था तो तुम इजीली बता लोगे, लेकिन हम पूछें कि 36 का होल स्क्वायर क्या होगा तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो जब भी एग्जाम देने जाओ तो पहले वो क्वेश्चन करो जिसमें कैलकुलेशन ना हो, या फिर प्रैक्टिस करो कि कैलकुलेशन बिना पेन उठाए कर सको। अगला पॉइंट है प्रैक्टिस भी वजह हो सकती है किसी भी एग्जाम में फेल होने की, जैसे मैथ्स है तो ये प्रैक्टिस मांगती है। किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए बेसिक चीजों को मजबूत करो, जैसे स्क्वायर है, क्यूब है, रूट है, तो ये सब तैयार रखो। अब एग्जाम में आ गया 12 का पावर 3 और तुम लगे गुड़ा भाग करने, नहीं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लोग यहाँ एक एक नंबर से फेल हो जाते हैं, तो कैलकुलेशन पर अपनी पकड़ मजबूत करो, अब वो होगा प्रैक्टिस से। अगला पॉइंट है दिनचर्या, आपकी दिनचर्या क्या है कैसा है ये भी बहुत मायने रखता है। लेट से सो रहे हो, लेट से उठ रहे हो, खाना खाने के बाद टहल नहीं रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, कोई ऐसा काम कर रहे हो जो तुम्हें दिन भर सुस्त बनाया हुआ है, तो इससे पढ़ तो पाओगे नहीं। अगर पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तो रिजल्ट जो आएगा वो भी अच्छा नहीं लगेगा। अगला पॉइंट है कल्पना की दुनिया से बाहर निकलो। जब तुम पढ़ाई के लिए बैठे हो तो मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं। अब तुम 2.5 घंटे से पढ़ने के लिए बैठे हो और 2 घंटे से कुछ सोच रहे हो, अपनी दुनिया में खोए हो, ये भी कारण हो सकता है फेल होने का। क्या सोच रहे हो, किसके बारे में सोच रहे हो, ये तुम्हारे अलावा कोई नहीं जान सकता, लेकिन पढ़ाई तुमने 2.5 घंटे में 30 मिनट की है, तो ये भी मायने रखता है किसी भी एग्जाम में फेल होने का। अगला पॉइंट है इच्छा शक्ति, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी इंसान को अगर सक्सेस होने में अगर कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो है इंसान की इच्छा शक्ति। यह शक्ति सभी के अंदर होती है, कोई कम इच्छा शक्ति का मालिक होता है, कोई जबरदस्त इच्छा शक्ति का मालिक होता है, तो ये भी वजह हो सकती है किसी भी एग्जाम में फेल होने का। तो हाउ टू इंक्रीज विल पावर, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ये 7 पॉइंट आपके एग्जाम में फेल होने का कारण हो सकते हैं। इन 7 में से आप कोई गलती कर रहे हो तो उसे रोको। मैंने एसएससी पर और भी वीडियो बनाए हैं जो बहुत ही पावरफुल हैं, उसे देखो, पूरी एनर्जी आ जाएगी। और ये वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक करो और जुड़े रहो हमारे साथ, मैं तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगा। Thank you.